सरकार भले ही आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निदान के दावे कर रही है, इसके लिए प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर आरटीपीएस काउंटर बनाए गए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवस्था पर जोर दिया गया है। बावजूद बंदरा प्रखंड एवं अंचल क्षेत्र में कार्यों के निष्पादन त्वरित स्तर पर तो दूर की बात है, लेकिन तय समय से भी किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। कई संबंधित जरूरतमंदों के द्वारा शिकायत मिल रही है कि आरटीपीएस काउंटर पर जमा कराए गए आवेदन एवं उनके अन्य कागजात कई बार गायब हो जाते हैं। कई जरूरतमंदों का यह भी बताना है कि ऐसी स्थिति में दोबारा तिबारा आवेदन करने के बावजूद भी उनका समय से प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना संभव नहीं हो पाता है। इन तमाम मामलों की शिकायत के बावजूद संबंधित अधिकारी इस मामले में गंभीरता नहीं बरत रहे हैं, लिहाजा कर्मियों की लापरवाही एवं मनमानी बढ़ती जा रही है। इस तरह के मामले को लेकर प्रखंड के कई पंचायतों के मुखियों का बताना है कि बंदरा में अंचल अधिकारी का पद प्रभार में रहने की वजह से आरटीपीएस के कर्मी अक्सर लापरवाही बरतते हैं और कई बार आवेदन या कागज गायब होने की बात बताकर टालमटोल करते हैं। इस तरीके से अभ्यर्थियों को परेशान किया जाता है। वहीं गांवों से आने वाले गरीब बेसहारा लोग चाहकर भी संबंधित अधिकारी से शिकायत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंचल अधिकारी का पद बंदरा में प्रभार में है और अधिकारी यहां अक्सर दिखते भी नहीं है। बंदरा पूर्वी के जिला परिषद सदस्य फनीश कुमार चुन्नू का बताना है कि बंदरा में अस्थायी सीओ के नहीं रहने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। आरटीपीएस काउंटर से क्षेत्र के ज्यादातर लोग परेशान हैं और इस मामले की शिकायत कई बार लोगों ने स्थानीय विधायक से भी की है, हालांकि उनके द्वारा इस मामले पर अब तक पहल नहीं की जा सकी है।